चौथे अध्याय का दूसरा सूत्र। अष्टावक्र कहते हैं, जिस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता भी दीनता से खड़े रहते हैं, आश्चर्य है वह पद योगी को सहज ही प्राप्त है, किंतु फिर भी उसकी प्राप्ति पर उसे कोई हर्ष नहीं होता। योगी माने वह जो आत्मस्थ हो चुका है, जो आत्मा में स्थापित हो चुका है। योगी सिर्फ वही है जो उसे पाकर के भी हर्षित नहीं होता, जिसे पाने के लिए इंद्र देवताओं के भी राजा दीन हीन की तरह हाथ फैलाए खड़े हों। तो योगी कौन हुआ? जिसने किसी भी वस्तु को, किसी भी उपलब्धि को, किसी भी चीज को विशेष कहना छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया कि इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। तो वास्तव में योगी है ही वही जो हर्ष और विषाद से, सुख और दुख से, भूत और भविष्य से, पाने और खोने से, दिन और रात से ऊपर उठ गया है। जिसने इनके मिथ्यात्व को जान लिया, जिसने इनकी व्यर्थता को जान लिया, वह योगी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक को बचा लें और दूसरा बचाना रह जाए। ये एक सिक्के के दो पहलू की भांति हैं। होंगे तो दोनों साथ होंगे। अगर हर्ष है तो विषाद भी बना ही रहेगा, शोक भी बना ही रहेगा। हम कहते हैं कि दुख बना क्यों रहता है, दुख जाता क्यों नहीं? दुख इसलिए नहीं जाता क्योंकि सुख की कामना आप नहीं छोड़ते। जब तक सुख की चाह रहेगी तब तक दुख बना रहेगा। और हम सुखी कब होते हैं, हर्षित कब होते हैं? जब किसी ना किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी उपलब्धि को, किसी पद को हम विशेष कहते हैं। जब हमें अन्य सब चीजों की अपेक्षा वह वस्तु विशेष लगती है तो उसे पाकर के हम सुखी होते हैं, उसे पाकर के हम हर्षित होते हैं। पर अष्टावक्र देख रहे हैं कि जिसके लिए सारा संसार दौड़ा जा रहा है, सारे मनुष्य छोड़ो, देवता भी जिसके लिए याचक की भांति खड़े हुए हैं दीनहीन होकर के, उसमें भी कुछ विशेष नहीं है। तो फिर इसमें हर्षित कैसा होना? हर्षित होने की बात ही क्या है? इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि इंद्र आदि सभी देवता भी दीनता से खड़े होते हैं जिसकी इच्छा करके। आश्चर्य है कि उस पद को योगी प्राप्त करके भी हर्षित नहीं होता। इंद्र माने कौन? इंद्र कौन है? देवता है ना, देवताओं के भी देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं वो। और आप किनके जैसा होना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप किनके पीछे दौड़ते हैं? आप किनको अपना आदर्श बनाते हैं? संसारियों को? अष्टावक्र इंद्र की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि स्वर्ग के राजा हैं। उनको भी वो नहीं मिलता है, और आपको लगता है कि जगत में उन सारी चीजों को पाकर के आपको वो मिल जाएगा जिसे आत्मा कहा जाता है। आपको लगता है कि जगत में कुछ हासिल करके आपको चैन मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी? तो अष्टावक्र कह रहे हैं नहीं मिलेगा। इंद्र को स्वर्ग पाकर के जब वो नहीं मिला तो तुम्हें जगत में क्या मिल जाएगा? जिनको हम समझते हैं कि उनके पास सब कुछ है, और जिन्हें हम अपना आदर्श समझते हैं, जिनकी तरह हम होना चाहते हैं, हम ये देख ही नहीं पाते कि वो भी किसी और की भांति होना चाहते हैं, वो भी कुछ और मांग रहे हैं। उनका भी मांगना अभी रुका नहीं है, वो भी दीनहीन बने खड़े हुए हैं। अगर वो संतुष्ट हो गए होते,
अगर उनको चैन मिल गया होता तो उनका मांगना रुक गया होता। वो कुछ और होने में लगे हुए हैं, उनका होना रुक गया होता। और ये मांगना ही तुम्हें दीनहीन बनाता है, क्योंकि जब तक मांग है तब तक दीनता होगी ही। दीनता माने दरिद्रता, गरीबी, शूद्रता, छुटपन। जब तक मांग रहे हो तब तक ये दीनता रहेगी, और जब तक दीनता है तब तक हीन भावना भी रहेगी, हीनता भी रहेगी। और अगर हीनता है तो हीनता को मिटाने के लिए फिर से मांग करोगे तो फिर मांग रहेगी। तो मांग को ही हटाया जा सकता है, क्योंकि वही मूल कड़ी है। जब तक भिखारी बने हुए हो तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो योगी को सहज ही उपलब्ध है। जैसे उपनिषद कहते हैं ना, नायमात्मा बलहीने लभ्यो, ये आत्मा बलहीनों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसको ऐसे ही देख लो कि ये आत्मा भिखारियों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भिखमंगे हैं, जिनका अभी मांगना रुका ही नहीं, जो हाथ ही फैलाते रहते हैं जगत के सामने, उनको आत्मा नहीं मिलती। उनको तो वही सब मिलेंगे जो बाकी सबको मिलते हैं, जो इंद्र को मिलते हैं। पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि इंद्र हो जाओगे, संसार के मालिक, संसार के राजा, देशों के राजा तो छोड़ो, इंद्र भी हो जाओगे तो भी तुम्हें वो तो नहीं मिलेगा, वो आखिरी संतुष्टि जिसे आत्मा कहते हैं, वो आखिरी चीज जो तुम्हारी अपनी है। वो तुम्हारी अपनी है, वही तुम्हारा स्वभाव है, किंतु वह तुम्हें नहीं मिलेगा अगर भिखमंगे बने हुए हो तो। तो ये मांगना छोड़ना पड़ेगा। और मांग हटाने के लिए क्या करें? या तो उस वस्तु की व्यर्थता को जान लो कि उसे अगर पा भी लिया, हासिल भी कर लिया, तो भी आपको वह नहीं मिलेगा उससे जो आपको वास्तव में चाहिए। आपको चैन चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, आपको संतुष्टि चाहिए। इसी को कहते हैं कि आपको आत्मा चाहिए। और भी करीब का शब्द कहें तो आपको आप ही चाहिए, क्योंकि आप अभी वो हैं ही नहीं जो आप हैं, आप कुछ और बने बैठे हैं, यही आपका बंधन है। आप कुछ और बने बैठे हैं, यही आपका बंधन है। आप वो हैं ही नहीं जो आप वास्तव में हैं, यही आपका बंधन है। तो आपको आप नहीं मिलोगे उस वस्तु को पा करके जिसकी मांग आप कर रहे हो, और आपको वो वस्तु नहीं चाहिए, आपको उस वस्तु के माध्यम से आप चाहिए। इसको कह दो, उस वस्तु के माध्यम से आपको संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए। क्या आपको मोबाइल ही चाहिए? मोबाइल नहीं चाहिए आपको, मोबाइल के माध्यम से कुछ चाहिए। आपको गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला, घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उन सब के माध्यम से कुछ चाहिए। और उन सब के माध्यम से जो चाहिए उसी को अलग अलग नामों से कहा जाता है, कभी शांति, कभी संतुष्टि, कभी आत्मा। और उसको मैं कह रहा हूं, आपको आप चाहिए। इसी को कहा जाता है कि आत्मा तो तुम्हारा स्वभाव है, माने आत्मा वह है जो तुम हो। फिर तुम अगर आत्मा ही हो तो उससे दूर क्यों हो? क्योंकि तुम कुछ और होने में लगे हुए हो, तुम उसे पाने में लगे हुए हो, अलग अलग चीजों की कामना कर करके। इसका अर्थ क्या है? तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुम जानते होते कि तुम आत्मा ही हो तो तुम उसकी मांग क्यों करते? क्योंकि हमने कहा कि तुम किसी वस्तु को नहीं मांगते हो, वस्तु के माध्यम से कुछ और ही मांगते हो। और अगर वह तुम होते तो तुम मांगते नहीं। तो या तो यह देख लो कि जिसकी मांग कर रहे हो उससे आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, माने उसकी व्यर्थता को देख लो। देख लो कि उससे आपको शांति मिल रही है क्या? क्या वो आपके आपको बंधनों से मुक्त करेगी, या वो कामना पूरी हो गई तो आपके बंधन और बढ़ जाएंगे? देख लो कि जिस कामना को पूरा करना चाहते हो क्या वह कामना आपको संतुष्ट कर देगी,
आपको मुक्त कर देगी, आपको शांति देगी, या और आप पर बंधन डाल देगी, आपका बोझ बढ़ा देगी। और नहीं तो यह देख लो कि जिसकी मांग आप कर रहे हो अपनी प्रत्येक कामनाओं के माध्यम से, वह तो आपको उपलब्ध ही है, वही तो आपका स्वभाव है। आप कामना पूर्ति के माध्यम से चैन चाहते हो, संतुष्ट हो जाना चाहते हो, आप कामना को पूरा करके कामना से मुक्त हो जाना चाहते हो, तो कामना काहे को कर रहे हो? तो या तो कामना पूर्ति की व्यर्थता को देख लो, या देख लो कि जो चाहते हो वो मिला ही हुआ है और वह आपका अपना स्वभाव है, तो कामना से मुक्ति मिल जाती है, फिर कामना नहीं रहती, फिर सहजता होती है जीवन में, फिर कुछ पाने के लिए कामना नहीं करते, फिर वही बात रहती है जो पिछले श्लोक में अष्टावक्र ने कहा। क्या कहा अष्टावक्र ने पिछले श्लोक में? कि स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है, फिर जगत आपके लिए खेल हो जाता है, जगत की हर परिस्थिति आपके लिए खेल हो जाती है, सुख दुख हर्ष विषाद ये सब खेल हो जाते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि आश्चर्य है कि आप और आपके बड़े से बड़े देवता भी जिसकी मांग करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, उसे प्राप्त करके भी, उस पद को पा करके भी, उसमें स्थापित होकर के भी योगी हर्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसे पाया उसे कभी खोया ही नहीं था, बस भूल गए थे। जैसे होता है ना कि एक होली का त्यौहार आ गया और बच्चे हैं होली खेलने लग गए, तो चेहरे पर तो रंग लग ही जाता है। अब बच्चे के चेहरे पर रंग लग गया, वो सूख गया, वो दर्द कर रहा है, वो दर्पण में देख रहा है चेहरे को, और उस नकली चेहरे को ही, वो जो रंगा हुआ है उसको ही अपना असली चेहरा समझ लेता है। मगर जिसे वो अपना चेहरा समझ रहा है वह झूठा चेहरा है, वह उसका असली चेहरा नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि अभी पीड़ा है, अभी हर्ष और शोक है, अभी दुख है, जीवन में तनाव है, बेचैनी है। मगर वो रंगों को उतार दे, उनको धो डाले, तो जो असली चेहरा है उसे पाकर के अब क्या वो हर्षित होगा? क्या उसमें कुछ विशेष है? नहीं, क्योंकि वही तो उसका स्वभाव है, वही तो उसका असली चेहरा है। उसने बस चेहरे से मेल हटा दिया, रंग हटा दिया। इसी तरह अपने मन के अंदर जो मेल भर रखा है, जो संस्कार भर रखे हैं, जो व्यर्थ की मान्यताएं पकड़ रखी हैं, जो अपने बारे में व्यर्थ की धारणाएं पकड़ रखी हैं, उन सबको छोड़ो। जो तुम अपने आप को माने बैठे हो, जो कुछ भी आप अपने आप को कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं, उसको हटाओ, उसको काटो, देखो कि वो सब तुम नहीं हो। वो सब कुछ जो मैं करने के बाद जुड़ जाता है, जो तुम्हें सीमित कर देता है, छोटा कर देता है, जो तुम्हें बांध देता है, उसे हटाओ। वही है रंग जो चढ़ा हुआ है तुम पर। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ विशेष है नहीं। जिसके लिए सारा जगत गतिमान है उसे पाकर भी योगी हर्षित नहीं होता। सारा जगत, जगत की सारी गति, सारी भागदौड़ उसी की खातिर है, सब उसे ही पाना चाहते हैं। उसे चैन शब्द दे दो, उसे संतुष्टि कह दो, उसे शांति कह दो, उसे मुक्ति कह दो, जो भी उसे नाम दो, सब उसी की खातिर दौड़ रहे हैं। और इंद्र कौन है? इंद्र आदि देवता, वे सब जिनको हम समझते हैं कि इनके पास तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सारा स्वर्ग का सुख है, जगत में भी जिनके पास सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा वैभव ज्ञान शक्ति धन ऐश्वर्य सब कुछ है, जिनके पास रहने के लिए स्वर्ग है और स्वर्ग समान महल है, वातावरण है, और जितने भी ऊंचे सुख की आप कल्पना कर सकते हैं,
जितने भी ऊंचे पद की उपलब्धि की आप कल्पना कर सकते हैं, जो कुछ भी हो जाने की आप कल्पना कर सकते हैं, वह सब कुछ जिसको प्राप्त है, अष्टवक्र कह रहे हैं उसके बारे में भी ये कल्पना मत कर लेना कि वो भी संतुष्ट है, कि वो भी आत्मा को उपलब्ध हो गया है, वो भी भिखारी ही बना हुआ है। और अब कोई भिखारी मंदिर के बाहर कटोरा फैला कर बैठे या कोई भिखारी मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने हाथ फैला कर खड़ा हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? भिखारी तो भिखारी है, चाहे तुम इससे मांगो चाहे उससे मांगो। कबीर साहब कहते तो हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। बात तो एक ही हो गई ना, पत्थर को ही पूजना है तो मैं बड़े पत्थर को पूज लूं। इसी तरह चाहे तुम बाहर बैठ करके भीख मांगो चाहे मंदिर के अंदर भीख मांगो, वो भिखारी अपने से बड़े मालिक से भीख मांग रहा है, तुम अपने से बड़े मालिकों से भीख मांग रहे हो। और अष्टावक्र कह रहे हैं जिन देवताओं से तुम भीख मांग रहे हो वो देवता भी भिखमंगे बने बैठे हैं, उनको भी वो नहीं मिला हुआ है। तो तुम किनसे कामना कर रहे हो, किनसे मांग रहे हो? उनसे जो खुद अभी अधूरे हैं। तुम किनकी तरह होना चाहते हो? जगत में भी देखो ना, किनकी तरह होना चाहते हो? उनकी तरह जो किसी और की तरह होने में लगे हुए हैं, जो खुद अपने वहां पर होने से संतुष्ट नहीं है। वहां तुम पहुंच करके कैसे संतुष्ट हो जाओगे? तो अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे तुम सर्वोच्च समझते हो वह भी अभी दीनहीन बना हुआ है। उसके लिए जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा उसे भी उपलब्ध नहीं है। होगा वो बड़ा राजनेता, बड़ा अभिनेता, बड़ा व्यापारी, बड़ा खिलाड़ी, झुकती होगी दुनिया उसके सामने, होगा उसके पास संसार का सारा वैभव, धन संपदा, मगर अब भी वो भिखारी हुआ है, अब भी वो भिखारी बना बैठा है, दीनहीन बना बैठा है। और उसे दीनहीन होना पड़ेगा क्योंकि वो खुद को नहीं जानता, क्योंकि वो अपने से परिचित नहीं, क्योंकि उसे आत्मा उपलब्ध नहीं, वो अभी आत्मस्थ नहीं है, इसीलिए वो दीनहीन है। आत्मस्थ जो हो जाता है वो तो बेपरवाह होता है, लापरवाह नहीं, बेपरवाह, लापरवाह भी कह दो, कोई लक्षण नहीं उसके। सचमुच जो आत्मस्थ है उसे तुम भीड़ में कभी पहचान नहीं पाओगे, वो बिल्कुल तुम जैसा होगा, उसके कोई विशेष लक्षण नहीं होंगे। और अगर किसी के विशेष लक्षण हो, कोई बहुत अपनी कहानियां किससे सुनाए, कोई बहुत अपने मुक्ति की कथाएं सुनाए, अपने अनुभवों के बारे में चिल्लाए, वो झूठा है, वो अभी आत्मस्थ नहीं हुआ। क्योंकि मुक्ति मुक्ति कौन चिल्लाता है? जो बंधन में हो। अनुभव किसको चाहिए? अनुभोक्ता को। और अनुभोक्ता कौन है? अहंकार। बंधन में कौन है? अहंकार। और हमने कहा योगी के लिए कुछ भी विशेष नहीं रह जाता, न मुक्ति न बंधन न सुख न दुख न हर्ष न शोक, कुछ नहीं, तो फिर वो इन सब की बात क्यों करेगा? और अगर कोई कर रहा है तो फिर वो योगी नहीं है, वो आत्मस्थ नहीं है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि इंसान तो छोड़ो, देवता भी जिसके लिए तरस रहे हैं उसे उपलब्ध होकर भी योगी हर्षित नहीं होता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ खास अनुभव हो गए हैं और तुम बड़े हर्षित हो रहे हो, बड़े दुनियादारी को सुना रहे हो कि मैंने यह अनुभव किया वो अनुभव किया, तो अभी तुम योगी नहीं हुए, अभी योग हुआ नहीं। अहम का आत्मा में योग हो जाना, वह योग नहीं हुआ, अहम आत्मा में स्थापित नहीं हुआ। अहो तत्र स्थितो योगिना हर्ष मुपगच्छति, योगी हर्षित नहीं होता, मुक्ति उसके लिए विशेष नहीं, क्योंकि मुक्ति स्वभाव है। तुम्हें लगता है कि फलानी वस्तु मिल जाए तो सब मिल जाएगा, फलाना पद मिल जाए तो सब मिल जाएगा, किंतु अष्टवक्र कह रहे हैं कि तुम भले ही इंद्र हो जाओ फिर भी तुम दीन ही रहोगे, क्योंकि तुम भिखारी बने हुए हो। और हमने कहा भिखारी क्यों बने हुए हो? क्योंकि खुद को नहीं जानते, आत्मज्ञान नहीं है, रंग चढ़ा रखे हैं तुमने, वही समझते हो कि तुम हो, तुम्हें अपना असली चेहरा नहीं पता। अक्सर कई लोग होते हैं जिनसे बात होती है या कमेंट में या मैसेज में बताते रहते हैं कि उनको ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, उन्होंने आत्मा को देखा, वो न जाने क्या का।
अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अनुभव किए हैं और उन अनुभवों को बताने के लिए आप बड़े लालायित रहते हैं, बड़ा आप उनका ढिंढोरा पीटते हैं, तो बताओ कौन है जो ये इस तरह से अनुभवों को बताने के लिए, उनका ढिंढोरा पीटने के लिए उछलता रहता है? ये अहंकार है जो बड़ा उत्सुक है दूसरों को बताने में, दिखाने में कि देखो मुझे ये अनुभव हुआ। अगर अनुभव हो रहा है, अनुभव तो होंगे जीवन में, जब स्पष्टता आती है, समझ आती है, जब रंग धुलने लगता है संस्कारों का, तो मुक्ति होगी। हमने क्या कहा, हमने बात की है कई बार कि जगत बदलता है तो तुम भी बदल जाते हो, माने अहम भी बदल जाता है, और तुम बदल जाते हो तो तुम्हारे लिए जगत भी बदल जाता है। तो स्पष्टता आएगी, रंग उतरेंगे जगत के, अहम गलेगा तो अनुभव भी होंगे, नए नए अनुभव होंगे, जीवन में शांति भी आती है, निर्भयता भी आती है, थोड़ी बेपरवाही भी आने लगती है। पर इसमें कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। इसको अगर विशेष कहते हो और बड़े ढिंढोरे पीटते हो, तो इसका अर्थ यही है कि वो बच्चा जो अपना मुंह धुल लेता है तो जगत में, सारे गांव में, मोहल्ले में कहता फिर रहा है, अरे मैंने अपना मुंह पा लिया, अपना नहीं, अपना असली चेहरा पा लिया। अरे भैया, ये तेरा असली चेहरा था ही, बस तूने रंग चढ़ा रखे थे, तो इसमें कौन सी खास बात हो गई? अगर इसको आप बहुत महत्व दे रहे हैं तो अभी आत्मस्थ नहीं हुए, क्योंकि योगी इसको भी विशेष नहीं मानता। जो मुक्त है उसके लिए फिर मुक्ति भी विशेष नहीं रह जाती। स्वस्थ होने के बाद कौन उसके ढिंढोरे पीटता है? क्योंकि स्वास्थ्य तो स्वभाव है, उसमें इतना ढिंढोरा क्यों पीटना? बस कुछ हरकतें करी थी तो हो गए थे बीमार, पकड़ ली थी बाहर से बीमारियां, बहुत कुछ चढ़ा लिया था इस शरीर में व्यर्थ का। बीमारी माने क्या, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए शरीर में पर उपस्थित है, उसी को तो हटाना है, वही तो रंग है। एक्स्ट्रा क्या पाया तुमने, कुछ और नया पाया क्या? नया कुछ नहीं पाया, बस जो अधिक था, जो जबरन पकड़ रखा था, जो शरीर का हिस्सा नहीं था उसको छोड़ दिया। ऐसा ही मुक्ति है, ऐसा ही आत्मा है। तुम्हें वो संस्कार की परतें हटानी है, तुम्हें उससे मुक्त होना है जो तुम स्वयं को मानते हो पर हो नहीं, और उसमें कुछ विशेष नहीं है। ये वैसा ही है जैसे बीमारी हट गई तो स्वस्थ हो गए, जैसे रंग धोड़ाला तो अब चेहरा साफ हो गया, और उसके कारण जो व्यर्थ की पीड़ा, भय, चिंता, तनाव, बेचैनी बना रहता था, अब वो सब वैसा नहीं रहा। तो जिसके लिए ये सब विशेष नहीं रह जाते, जिसके लिए ये सब खेल मात्र रहता है, वह योगी है। जिसके लिए ये खेल है वह आत्मस्थ है, वह सत्य में, संतुष्टि में स्थापित हो गया है, वह आत्मा में स्थापित हो गया है। मुक्ति आपका स्वभाव है, बेपरवाही आपका स्वभाव है, और इसमें, इस मुक्ति में, इस बेपरवाही में, इस संतुष्टि में जो सहज है, जो श्रेष्ठ या विशेष होने की दौड़ से मुक्त हो गया है, जो कुछ और होने से अब बाज आ गया है, वह योगी है। इसे ही कहते हैं आत्मा को पा लेना। आत्मा यानी वह जो अपना है, जो आप हैं ही, और जो आप हैं ही, जो आपका अपना स्वभाव है, उसे पा लेना, उसमें स्थापित हो जाना। इसमें तो कुछ भी विशेष है नहीं, तो फिर इसमें हर्ष भी नहीं है। तुम जिन्हें सर्वोच्च समझते हो, बहुत ऊंचे समझते हो, वे भी दीनहीन हैं, किंतु उनके जैसे बनने के प्रयास में ही तुम वो बन बैठे हो जो तुम हो नहीं। तुम बस वही हो जाओ जो तुम वास्तव में हो। जब तुम वही हो जाते हो, या कहो जब तुम वो नहीं रहते जो तुम नहीं हो,
तब तुम वही रहते हो जो तुम वास्तव में हो। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, और उसकी कोई कल्पना मत करने लग जाना। बस नेति नेति कर दो उसकी जो तुम बने बैठे हो पर हो नहीं। और कुछ भी अगर बने बैठे हो तो जानना कि वो तुम हो नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।